तो चलिए रुक करते खबरों की ओर। यूं तो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में माहौल जमाने के लिए राजनीतिक दल देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव की जीत के बाद कांग्रेस ने टीवी सीरियल रामायण में राम और हनुमान के संवाद को एडिट कर वायरल किया था। एक बार फिर कांग्रेस ने महाकाल लोक की तबाही को लेकर एक नया वीडियो जारी किया है। क्या है ये वीडियो और क्यों बीजेपी के साथ साधु संत भी इसका विरोध कर रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नारायण 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 महाकाल लोक की ये दुर्दशा। भोलेनाथ आपकी नगरी उज्जैनी में, मैं जानता हूं कि वहां क्या हुआ है। जनता की रक्षा की भक्षक बन बैठे हैं। अब कमलनाथ को लाना ही होगा। मध्य प्रदेश में शिव और नारद के संवाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पिछले दिनों उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी तूफान से आई तबाही के बाद से ही कांग्रेस सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कर्नाटक की जीत के बाद राम और हनुमान के संवाद को एडिट कर जारी किया था और अब भगवान शिव और नारद कांग्रेस और कमलनाथ का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी सियासत में देवी देवताओं के लगातार इस्तेमाल के चलते इस बार कांग्रेस को साधु संतों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। उज्जैन के संत समाज ने इसे धर्म का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आप भी सुनिए नाराज संत का क्या कहना है। यह भगवान शिव और नारद जी का इस प्रकार से उपयोग करना, दुरुपयोग करना, यह हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। कांग्रेस को इस प्रकार की नौटंकी कतई नहीं करनी चाहिए। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की तो जांच चली रही है, कांग्रेस कराई रही है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसी प्रकार का वीडियो बनाना था तो जब कमलनाथ जी ने हनुमान जी का केक काटा था, हनुमान जी की मूर्ति पर केक पर जब वो छुरी चलाए थे तो उस समय बनाना चाहिए था, तो पता चलता हनुमान जी को भी कि आपके भक्त ही आपके भक्षक बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन बातों में कोई दम नहीं है, इस प्रकार से वो धर्म की मजाक न उड़ाए। उधर हिंदुत्व के मुद्दे पर देश की शीर्ष सत्ता में बैठी बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद से घबराई सी नजर आ रही है। संत समाज के साथ बीजेपी भी आपत्ति जता रही है। हालांकि इस बार वीडियो जारी कर फंसी कांग्रेस महादेव के संवाद को बीजेपी की हरकत बता रही है। आप कितने ही मीम्स बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर जनता भली बात ही समझती है कि ये वचन देकर भी मुकरने वाले लोग हैं। 973 वचन देके जो मुकर गए वो ये क्या कर पाएंगे, कि क्या भगवान की बात करेंगे और क्या भगवान की जय जयकार कर पाएंगे। इसके साथ साथ जनता यह भी जानती है भगवान श्री राम का मंदिर न बने उसके लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस और आपकी पार्टी ने खर्च किए थे। राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले आप लोग हैं, और हद तो तब हो गई जब विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर का भूमि पूजन करते हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। कि महाकाल लोक में ब्राह्मण सप्तर्षि की मूर्तियां तक एक हवा का झोंका नहीं सह पाई और सारी मूर्तियां धड़ाम होकर या तो गिर गईं या खंडित हो गईं। व्यापम घोटाला जिसने मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद कर दी, ये भाजपा की पहचान है। ये जो कमीशन खोरी की भूख इतनी है कि इन्होंने धर्म को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए मध्य प्रदेश में जन जन का विश्वास है कि कमलनाथ जी को सबके विकास के लिए लाना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और हाथ के पंजे की सरकार जनता की आकांक्षा है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। जहां देश में राम के नाम पर सरकारें बन और बिगड़ जाती हैं, वहां प्रचार के लिए देवी देवताओं का इस्तेमाल कोई बड़ी बात नहीं है। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का मुद्दा बीजेपी भले ही भुना नहीं पाई हो, लेकिन एमपी में महाकाल लोक में मची तबाही पर कांग्रेस लगातार आक्रामक है। देखना होगा कि असल में भगवान किसकी चुनावी नैया पार लगाएंगे। अनादि टीवी के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।